नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, यह हमारा 21 पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के 20 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप पूरे वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप डिजिटल मशीनिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में एक जिग दिखाया है या दिखता है जिसका उपयोग बोर व्यास के लोकेट करने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? सॉलिड जिग, प्लेट जिग, पोस्ट जिग, बॉक्स जिग। तो इस जिग का क्या करना है, आपको नाम बताना है। तो चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इसे पोस्ट जिग के नाम से जानते हैं। रैखिक माप के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता? रैखिक माप के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता? स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, साइन बार। तो किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता? साइन बार का उपयोग रैखिक माप के लिए यहाँ पर नहीं किया जाता। कोलीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सीधापन यानी स्ट्रेटनेस, कोण, एंगल, रैखिक आयाम, तुलनात्मक लंबाई यानी कॉम्पिटिटिव लेंथ। तो ऐटो कोलीमीटर का जो यूज़ है वह क्या है, ऑप्शन नंबर ये, स्ट्रेटनेस मापने के लिए यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है, यानी प्रोफाइल माप लेने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? रेडियस गेज, डायल गेज, ऑप्टिकल कंपायरेट, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का उपयोग किया जाता है। कोण माप के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? जो कोण के माप लेने होते हैं उनके माप लेने के लिए किन इंस्ट्रूमेंट का, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है? ब्यूएल प्रोटेक्टर, साइन बार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कोण माप लेने के लिए ब्यूएल प्रोटेक्टर और साइन बार का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मशीन किए गए पीस के स्टैंडर्ड आयाम से स्वीकार्य विचलन यानी एलोएबल डिविएशन को क्या कहती है? अलाउंस, टॉलरेंस, लिमिट, फिट। तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे टॉलरेंस कहते हैं। पार्ट के बाहरी फीचरों को परंपरा से किस शब्द से व्यक्त किया जाता है जिनमें वे पार्ट भी शामिल है जो बेलनकार नहीं भी है? रोल, शाफ्ट, बोल्ट, पिन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वह शाफ्ट इसका सही आंसर है। आंतरिक, किसी पार्ट के आंतरिक फीचरों को परंपरा से किस शब्द से व्यक्त किया जाता है जिनमें वे पार्ट भी शामिल है जो बेलनकार नहीं भी है? स्लॉट, ग्रू, होल और बोर। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, होल। एक आयाम इस तरह दिया गया है, 2.5 प्लस 0.010 और 2.5 माइनस 0.005। तो टॉलरेंस क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर टॉलरेंस निकालना है। आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं इसका आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 0.015। अब देखिए 15 कैसे आता है, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। टॉलरेंस यानी क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, इनके बीच का जो अंतर होता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कितना दिया है, 0.010 और मिनिमम कितना दिया है, 0.005। कितना होता है यह, 0.015। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का फिट नहीं है, यानी फिट का एक प्रकार नहीं है,
ट्रांसलेटिंग फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर फिट का प्रकार? ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसलेटिंग फिट जो है यह फिट का प्रकार नहीं है। क्लियरेंस फिट के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है यह क्लियरेंस के बारे में सही है इनका कथन। रनिंग फिट एक प्रकार की क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है, इंटरफेरेंस फिट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो रनिंग एक फिट है, वह कौन सी क्लियरेंस प्रकार की एक क्या है? वह फिट है। BIS प्रणाली में 25 होल विचलन कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? 25 विचलन कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो वह बड़े अक्षरों से यानी कैपिटल लेटर से यहाँ पर निर्दिष्ट किया जाता है। मशीन की गई सतह और बिना मशीन की गई सतह के बीच मापी गई लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कट की गहराई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर भी सेट कर दे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती है। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग केवल कैलिब्रेशन उद्देश्य के लिए किया जाता है? 00, 01 और 2। 00 ग्रेड का उपयोग केवल कैलिब्रेशन के उद्देश्य के लिए किया जाता है। वह इंस्ट्रूमेंट जिसका कार्य त्रिगोमित्रीय यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिद्धांत पर आधारित है वह क्या कहलाता है? डायल गेज, एंगल गेज, साइन बार, बिवेल प्रोटेक्टर। तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है साइन बार। वर्कपीस की लंबाई के साथ मापे गए व्यास की क्रमिक वृद्धि को क्या कहते हैं? तिर्यक, टेपर, तिरछा, कोण। तो उसे कहते हैं टेपर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मशीन स्पिंडल के आंतरिक टेपर के रनआउट की जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर, टेस्ट मैंड्रेल, डायल टेस्ट इंडिकेटर परिशुद्धता, हाइड गेज, टेस्ट मैंड्रेल परिशुद्धता, हाइड गेज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट मैंड्रेल और डायल टेस्ट इंडिकेटर। निम्न में से कौन सा टेपर सेल्फ होल्डिंग प्रकार है? मोर्स टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, जर्नो टेपर और मीट्रिक टेपर। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये मोर्स टेपर जो है वह सेल्फ होल्डिंग टेपर का प्रकार है। रिमर के दांत क्यों असमान रूप से फैले होते हैं? चैटरिंग कम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग आसान बनाने के लिए, धातु को धीरे धीरे काटने में मदद करने के लिए, और रिमर को आसानी से निकालने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चैटरिंग कम करने के लिए जो है यहाँ पर रिमर के दांत असमान रूप से फैले होते हैं। नीचे चित्र में कौन सा लेथ ऑपरेशन दिखाया गया है? फेसिंग, प्लेंटर्निंग, चैम्परिंग, शोल्डरिंग। दोस्तों यहाँ पर आप भी बड़ी आसानी से यहाँ पर पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करना होता है? सिर्फ यहाँ पर दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। CNC मशीनों में कोऑर्डिनेट सिस्टम पर शून्य पोजीशन पर क्या कहते हैं? कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ पॉइंट यानी रेफरेंस पॉइंट। CNC मशीनों में कोऑर्डिनेट सिस्टम पर शून्य पोजीशन पर जो है वह रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। टूल का जीवन काल सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? टूल का जीवन काल जो होता है वह सबसे अधिक प्रभावित किससे होता है? कटिंग स्पीड,
फीड और कट की गहराई, कूलेंट का इस्तेमाल न होना, टूल का मटेरियल। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ये, कटिंग स्पीड से जो है वह टूल का जीवन अधिक प्रभावित होता है। एक मिलिंग मशीन में किसका इस्तेमाल करके कटिंग ऑफ ऑपरेशन किया जाता है, साइड मिल कटर, स्लैब मिल कटर, स्लीटिंग मिल कटर, टी स्लॉट कटर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, स्लीटिंग मिल। एक मिलिंग मशीन में स्लीटिंग मिल का इस्तेमाल करके कटिंग ऑफ कटर, कटिंग ऑफ ऑपरेशन किया जाता है। दोस्तों, मिलिंग कटर पर मैंने अभी अभी दो वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देखिए। उससे जो है आपको बहुत सारी इस DRDO के एग्ज़ाम में मदद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टूल के मूवमेंट से वर्कपीस की सतह पर बनने वाले पैटर्न को क्या कहते हैं, वेवनेस, खुरदरापन यानी रफनेस, रफनेस फेसिंग और सरफेस टेक्सचर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ये, कटिंग टूल के मूवमेंट पर वर्कपीस सतह पर बनने वाले पैटर्न को वेवनेस कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अभी से बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।